दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से दिल्ली से देवघर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट लगभग 13 बार कैंसिल हो चुकी है, जबकि 3 बार फ्लाइट को दुर्गापुर और कोलकाता में लैंड कराना पड़ा। दोस्तों, 2 बार दिल्ली की फ्लाइट देवघर आकर हवा में चक्कर लगाने के बाद दिल्ली लौट गई। कोलकाता की फ्लाइट अब तक 10 बार कैंसिल भी हो चुकी है, जबकि 2 बार देवघर एयरपोर्ट में हवा में चक्कर लगाने के बाद वापस कोलकाता लैंड कराई गई। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैंसिल होने से यात्रियों को रांची वो कोलकाता जाकर फ्लाइट पकड़ना पड़ता है। वहीं दुर्गापुर और कोलकाता में लैंड होने के बाद ये यात्रियों को सड़क मार्ग से देवघर आना पड़ता है। मौसम में आई मामूली खराबी में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाने की वजह से फ्लाइट लैंडिंग में समस्या आ रही है। दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट में अब तक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं लग पाई है। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का बेसिक कार्य भी चालू किया गया है। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं लगने की वजह से लो विजिबिलिटी में चाहे मौसम में आई खराबी की वजह से हो या फिर रात्रि विमान सेवा को लेकर, दोनों ही स्थिति में लैंडिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोस्तों, यह काम झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी गई थी, लेकिन कि राज्य सरकार अपनी दायित्व नहीं निभा रही है देवघर एयरपोर्ट को लेकर। एयरपोर्ट में किसी भी तरह की समस्या का निदान झारखंड सरकार नहीं करना चाहती है। दोस्तों, झारखंड सरकार अपना पलड़ा देवघर एयरपोर्ट हो या फिर देवघर एम्स हो, दोनों से झाड़ते रही है। झारखंड सरकार को यह दोनों ही प्रोजेक्ट राज्य पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के बराबर है। दोस्तों, चाहे तो सरकार विकास नहीं होने देना चाहती है या फिर विकास में रोड़ा बनकर तैयार है। दोस्तों, अब देखना यह है कि आखिर राज्य सरकार की मनसभा क्या है देवघर एयरपोर्ट को लेकर। क्या राज्य सरकार यह भी चाहती है कि देवघर एयरपोर्ट में समस्या पैदा कर एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि सरकार इस ओर कुछ काम करे ताकि इस एयरपोर्ट से यात्री लाभ उठा सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें।